श्रीचान अक्के नीति शास्त्र दूसरा अध्याय झूठ बोलना, कठोरता, छल करना, बेवकूफी करना, लालच, अपवित्रता और निर्दयता ये औरतों के नैसर्गिक दुर्गुण हैं। भोजन के योग्य पदार्थ और भोजन करने की क्षमता, सुंदर स्त्री और उसे भोगने के लिए शक्ति, पर्याप्त धनराशि तथा दान देने की भावना, ऐसे संयोगों का होना सामान्य तप का फल नहीं है। उस व्यक्ति ने धरती ही स्वर्ग को पा लिया। एक जिसका पुत्र आज्ञाकारी है, दो जिसकी पत्नी उसकी इच्छा के अनुरूप व्यवहार करती है, तीन जिसे अपने धन पर संतोष है। पुत्र वही है जो पिता का कहना मानता है, पिता वही है जो पुत्रों का पालन पोषण करे, मित्र वह है जिस पर आप विश्वास कर सकते हैं, और पत्नी वही है जिसे सुख प्राप्त हो। उनसे बचे जो आपसे मुंह पर तो मीठी बातें करते हैं लेकिन पीठ पीछे आपको बर्बाद करने की योजना बनाते हैं। ऐसा करने वाले तो उस विष के घड़े के समान है जिसकी ऊपरी सतह पर दूध है। एक बुरे मित्र पर तो कभी विश्वास ना करे, एक अच्छे मित्र पर भी विश्वास ना करे। यदि ऐसे लोग आप पर गुस्सा होते हैं तो आपके सभी राजवे खोल देंगे। मन में सोचे हुए कार्य को किसी के सामने प्रकट न करे बल्कि मनन पूर्वक उसकी सुरक्षा करते हुए उसे कार्य में परिणत कर दे। मूर्खता दुखदायी है, जवानी भी दुखदायी है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा दुखदायी किसी दूसरे के घर जाकर उसे एहसान लेना है। हर पहाड़ पर माणिक्य नहीं होते, हर हाथी के सर पर मणि नहीं होता, सज्जन पुरुष भी हर जगह होते और हर वन में चंदन के वृक्ष भी नहीं होते हैं। बुद्धिमान पिता को अपने बच्चों को शुभ गुणों की सीख देनी चाहिए क्योंकि नीतिज्ञ और ज्ञानी व्यक्तियों की ही कुल में पूजा होती है। जो माता व पिता अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देते हैं वे तो बच्चों के शत्रु के समान हैं, क्योंकि वे विद्याहीन बालक विद्वानों की सभा में वैसे ही तिरस्कृत किए जाते हैं जैसे हंसों की सभा में बगुले। लाड़प्यार से बच्चों में गलत आदतें ढलती है, उन्हें कड़ी शिक्षा देने से वे अच्छी आदतें सीखते हैं। इसीलिए बच्चों को दंडित करें, ज्यादा लाड़ ना करें। ऐसा एक भी दिन ना जाए जब आपने एक श्लोक, आधा श्लोक, चौथाई श्लोक या केवल श्लोक का एक अक्षर नहीं सीखा, या आपने दान, अभ्यास या कोई पवित्र कार्य नहीं किया। पत्नी का वियोग होना, आपने ही लोगों से बेइज्जत होना, बचा हुआ ऋण, दुष्ट राजा की सेवा करना, गरीबी एवं दरिद्रों की सभा, ये छह बातें शरीर को बिना अग्नि के ही जला देती है। नदी के किनारे बसे हुए वृक्ष, दूसरे व्यक्ति के घर में जाने अथवा रहने वाली स्त्री एवं बिना मंत्रियों का राजा, ये सब निश्चय ही शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। एक ब्राह्मण का बल तेज और विद्या है, एक राजा का बल उसकी सेना में है, एक वैश्य का बल उसकी दौलत में है तथा एक शूद्र का बल उसकी सेवा परायणता में है। वेश्या निर्धन व्यक्ति को छोड़कर चली जाती है, प्रजा पराजित राजा को छोड़कर चली जाती है, पक्षी फलरहित वृक्ष को छोड़ देते हैं एवं मेहमान भोजन करने के बाद घर से चल पड़ते हैं। ब्राह्मण आपने यजमानों को दक्षिणा मिलने के बाद छोड़ देते हैं, विद्यार्थी विद्या प्राप्ति के बाद गुरु को, और पशु जले हुए वन को त्याग देते हैं। जो व्यक्ति दुराचारी, कुदृष्टि वाले एवं बुरे स्थान पर रहने वाले मनुष्य के साथ मित्रता करता है वह शीघ्र नष्ट हो जाता है। प्रेम और मित्रता बराबर वालों में अच्छी लगती है। राजा के यहाँ नौकरी करने वाले को इज्जत मिलती है। व्यवसायों में वाणिज्य सबसे अच्छा है एवं उत्तम गुणों वाली स्त्री घर में सुशोभित होती है।